अरशद के अख्तर साहब वजह सबा दश्तियारी अंचो बैकग्राउंड आ गप जन गया के बलूची चो राज नबूत अच मुश्किलात मुत पाकिस्तान दे मारता उतगम भले ई हम गप अल्लम है के मजलूम कौम और मजलूम अवाम है के जद्दोजहद भी वती आज़ादी वास्ता है वती हक्कानी वास्ते जद्दोजहद भया आइए तो का लिटरेसी एक मजनी है अहमियत भी पर चके या कौम के सरपद नबी के आप खुजा रहोगे लीडर या खुजा भरगे तो आ कौम वाह मतलब खबर न पड़ी क्या ये चीज इतने पोजिशन तो ये हवाले वाले के कौमन वती जद्दोजहद भी क्या वती जबान आ वती अवाम तक पुजा रही नहीं था क्या अमा शर अंदाजे आ मनी अवाम सरपद भी इतना भले मैं कहना कि बलूच मूवमेंट तो कम बेचारे हैं बलूचिस्तान तो का जिशन निजूरी सकबाज आस्ता मैं वती ची उचे तो बार हुआ रास्ते के जबान है मजने किरदारे हस्ते इंसान है बाशूर करने का वास्ता वती हकाने वास्ता वती आज़ादी वास्ता बाज मजने किरदार मर्ची मैं अगर बलूचिस्तान बेचारे के बलूचिस्तान मालूक अच्छा तो को के तालीम बास कम में वत पदा आबाज टोलियां बार कस्त नजा के कह रास्ते कह गलत अगर मर्ची अगर जानकार बुबूते था लिटरेट बुबूते था बाद एक राय है वो गेश को था दिगे मजने मसला है हमेशा कि मर्ची मगर जबान गप्पा का लगाएं कि जबान वती छह किरदार है जबान बेसिकली तिकरा कहते और राधाओ कस्त नहीं कर ते शायर हूँ ते अदीब हूँ कलमकार बाज दिए मर्द में ये दौरान तरह तरह मैसेज दया तरह तरह ते शहूरा गेस्टर करें तरह तरह आल दया के के ते वो छे बे गए मर्ची में गिनता के मैं बलूचिस्तान तो का अर्दू में मर्दम शायर है और बाद शरे शायर मैं कर सख शरे शायर माँ बरसी का बलूची गप्पा है मनी बलूची वो बलूची बड़ा नहीं बच्चा के माँ वो सिंधा रिश्ते के उर्दू जबान तो का वनता अंग्रेजी तो वनता बलूची को बेहाल होते हैं बलूची नहीं इससे मैं कर बरसी मैं अदीब हूँ आवानी में करा आ कम में छत्र नए शायर कम में आजाद हैं कि आ वत डायरेक्ट एक अप्रोच से कोर्ट करें मालूम का गोमा आवानी इस कारणी तो उस ताचे मतलब मैं और लिखो कम में मुश्किल था हमने करा कि आवानी लिख कर राबंद दुमी अब जो वानों के आए तादाद बस कम में आ गुमरा खनक भी जल्दी एशिया से एक मजदूर रुकावट है मैंने मैं पैदा क्योंकि माँ ये जान ये चीज जान का बेयाल बे गए कि कहे रास्ते कहे गलत है मर्ची मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी गबू गए कि कुजाम स्ट्रेटेजी बेहतर है कुजाम गलत है ये स्ट्रेटेजी सरा एक इतफाक नहीं मर्दुमान लाते कुछ ही मचुश पे करने बल्कि आजाद में लाते चुश पे आजादी वर्ची रोटी और इंसान ने कि आजादी ना रोटी बल्कि आजादी है वास्ता मैं बातें बिजाने के कुजाम तरीका मैंने वहां से बेहतर है जो मना वाकई आजाद कर मैं आजाद बेग लौटा मना लूटा कि बलूचिस्तान अलग टुकड़े में भी पता दिगरानी गुलाम भी मैं ये आजादी न भी उड़ा थी मैं बाहर बेचारे के कुजाम मेरे पास फायदा मंद दुबे में उसने ही दुराई तो दुराई गप्पा नाम एक गुशा है ना मतलब ये दुराई प्रोसेस से तो का लिटरेसी एक बास बलाएं मतलब अहमियत इदारी के इशिया आम मालूक वत गिशो की उवर बेका वती जंजाल आना ना वती जन आओ बुनियादी सब बुनियादी मसले जिंदा बनाता ना चुमा नजीर का है लिटरेसी हवाले अगर बलूचन हवाले गप्पा जी रहे तो एक दो चीजा चुमा ये फरामोश कर रहे जी 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 औली गप्पू आयशा के ई रियासत तो छे नाम दे माँ अगर दिग नाम भी दिया चुमा बल्कि चुमा वस्ता मसला है भी ई रियासत के वहां निश्चित के ये रियासत बुनियादी मसला ऐसे कि एजुकेशन ये रियासत के मसले जिंद रहे एजुकेशन इज नॉट प्रॉब्लम इज नॉट इश्यू इन दिस कंट्री आइए बुनियादी सब विषय के बजट चिच्चो दर्शत एजुकेशन दे दो अच्छे सा है अच्छा चिच्चो दर्शत दयागे ऐसा वत यूएनओ चार्टर सर साइन को तक मैं इंचो खर्च करें मैंने कहा 25% समथिंग तो
एजुकेशन ने बार बार रियासत चल बलोच अबेल बलोच मगुजे जी ना सरपदे नादा ने हेचन नदा मां अख्तर साहब को इख्तलाफ करना का कि अभी अन्य इसने ये शायर अभी अन्य नदा था मर्ची अमा आ गई के बलूचिस्तान तात का कौमी साबा सियासी साबा वती आजाद ची साबा आजादी है वाहगे साबा दुरुस्ता ची गीश तो बिचारे कंट्रीब्यूशन मनजान अख्तर साहब चिचो इन इन इंटरेक्ट इशी हस्ते इंट्रेंच इंट्रेक्शन हस्ते गो मैं लिटरेचर है लिटरी मर्दमा मर्ची बलूची शायर आमी चो अवेयरनेस के कौमी था और था मुजाहमत ते हवाला आ बेजोड़े आई है हिच बेदरबरे आ बेमट तो पाकिस्तान जी आई है तरजीह देता हुआ एजुकेशन जन्द दो में का बीच के पाकिस्तान ना एजुकेशन सिस्टम है जन्द ने देयर इज नो एजुकेशन सिस्टम परचा चिच्चो स्टैंडर्ड कसना जा तबकाती ताली में कसना था सच बोल तबकाती ताली में चिच्चो स्टैंडर्ड ताली में कसना था ठीक हमें हमें तो कम कम होती का बस जमन दो में का पीछे के चेवाने ने की इसे वो हर दा हर मर्द में था कि जी पाकिस्तान चेवाने की चोवाने की धनी का शास्त्र पन साले था ये फैसला न होता माहिरी ने कुछ जी पाकिस्तान ने के हमारे के कोर्स कोर्स ऑफ स्टडी है आइए 70% जो अस्ते हैं रबिश या गार्बेज आज ही आ आ वेस्ट जब टाइम में आ मर्दमानी कया नहीं गप को सही जाना गप को कि जी लिटरेसी चुमा को कि जी लिटरेसी ये दा चिया गेश या उधर चिया बेसिक गप इसे कि अमा चीज के इस सिस्टम में ता वाने ना वो गाए आम गो ना मैं जहनी जरूरत है ताल्लुक की दारी और ना मैं राज्य जरूरत है अच्छा मैं को ना टेलीफोन मैं को ना टेलीफोन लाइन से अमरादारी करने डॉक्टर मुबारक अली ये गुना कमो गप्तरान करने सामान लगन डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब लिटरेसी डे के मुनासिबत से आज का ये प्रोग्राम चल रहा है कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त शरह खवानदगी 57% है लेकिन जिस तारीफ के जिम्रे में ये शरह खवानदगी पाकिस्तान आ रहा है जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ जो बंदा अपना नाम पढ़कर और लिख सकता है वो खवानदगी के जिम्रे में आता है तो क्या आप समझते हैं कि यही तारीफ मुनासिब है पाकिस्तान में और 57% जो बताया जा रहा है हेलो जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब जी नहीं मेरा ख्याल से ये मुनासिब ये बात ये तारीफ मुनासिब नहीं है क्योंकि जब हम खानकी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि खानकी का मतलब कि जो आदमी लिख पढ़ सकता हो क्योंकि महज दस्तखत कर देने से या महज यानी अलिफ बे को पढ़ लेने से खानकी नहीं आ जाती है खानकी का मतलब ये होता है के आदमी पढ़ सके ताकि जो इबारत है उसका मफहूम भी समझ सके और उसके मानी भी निकाल सके तो वो खानगी होती है कि हम बाज़ुकात अपनी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जी जी। इस किस्म की तारीफ कर देते हैं अच्छा इस तरह तो नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह तो नहीं है कि आलमी मुआहदे के तहत जो पाकिस्तान पर ये बल्कि पाकिस्तान ने ये मुआहदा कर लिया था कि वो 2015 तक शराय ख्वानदगी 85% तक ले जाएगा तो इस तरह तो नहीं है कि इसी तरह जो है ना वो 5 साल बाद फिर कहेगा कि जी पाकिस्तान में 85% शराय ख्वानदगी है नहीं ये मेरे ख्याल से सारा ये गलत आदाद शुमार है और एक बिल्कुल यानी ये देखा जाए तो धोखा देने वाली बात है इसमें बिल्कुल सफाई जो है वो नहीं है बल्कि हो ये रहा है हमारे यहाँ के शराय ख्वानदगी बढ़ने के बजाय और ज्यादा घट रही है जिस किस्म की सूरत हाल है तो ये जो आदाद शुमार गवर्नमेंट देती है यानी अपने लोगों के लिए भी और बाहर की एजेंसियों के लिए ये महज यानी कागजात तक महदूद है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है अच्छा ये जो तबकाती निज़ाम तालीम है पाकिस्तान में राइज है शुरू से बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 3-4 हिस्सों में इसको तकसीम किया जा सकता है मदरसों की तालीम है और उसके बाद ओ लेवल ए लेवल है और फिर मैट्रिक बेस रहे तो इस तरह आप देखें कि तो क्या यही चीजें रुकावट हैं ये जो खवानदगी की शराह को बढ़ाने के हवाले से या कुछ और भी फैक्टर्स हैं खवानदगी के हवाले से सबसे बड़ी रुकावट जो है वो तो एक तो गुर्बत है और दूसरी बड़ी रुकावट जो है वो हमारे यहाँ का डिस्कशन का निजाम है खासतौर से देहातों के अंदर या मतलब के शहर से दूर इलाके जो है वहां पर स्कूलों का ना होना या अगर स्कूल है तो वहां पर असातिज़ा का ना होना
मतलब कि ये चीजें जो है वो यानी हालकी को भी रोक रही है, तारीफ को भी रोक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बोले शाहरुख डॉक्टर मुबारक अली में गुना टेलीफोन लाइन से हमारा दारी करने गया गुंडी ब्रेक की जूरी पता शुमें मकाई।